नमस्कार, मैं हूँ यतेंद्र तिवारी। इस समय गिरिराज महाराज का यहाँ मुड़िया पूर्णिमा मेला चला हुआ है वर्धन में। यहाँ पर देखते हैं कि करोड़ तक की भीड़ इन दिनों में आता है। 17 तारीख मेला हो जाए तो इस समय हम दान घाटी पर बैठे हुए हैं और यह हमारे साथ जो सेवायत हैं इनसे जानेंगे कि दान घाटी का क्या महत्व है और गोवर्धन पर्वत जो है उन्हें कैसे गज में, ये सारी बातेंगे। नमस्कार भाई जी, राधे राधे। तो सबसे पहले हमारे दर्शकों को अपना नाम बताइए। मेरा नाम दीपू पुरोहित, सेवा अधिकारी दान घाटी मंदिर गोवर्धन। तो हमारा जो दर्शक है हमारे, ये जानना चाहते हैं कि यहाँ पर गिरिराज महाराज जो आए हैं, विराजमान हुए हैं, उनका उनकी कथा क्या है, कैसे विराजमान हुए यहाँ? यहाँ पर मतलब एक पुलस्त ऋषि थे, तो वो उनको गिरिराज जी महाराज को लेके आ रहे थे। तो उन्होंने, गिरिराज जी महाराज ने उनसे वचन भरवाया था, मैं चल तो चलूँगा मैं आपके साथ, अगर यहाँ पर मुझे रख दोगे तो वहीं रुक जाऊँगा, वहाँ से अलावा मैं नहीं जाऊँगा। तो वो पुलस्त ऋषि जी यहाँ लघु शंका के लिए रुके थे, तो उन्होंने अपना काम कर दिया था, फिर चालू उठाने लगे गिरिराज जी को। तो गिरिराज जी ने उनसे कहा था, अपने वचन पर ध्यान दीजिए, मैंने आपको क्या वचन दिया था। तो वहाँ ने कहा था, मैं एक दफे मुझे रख दोगे धरती में, फिर नहीं जाऊँगा मैं वहाँ से। तो उनको उठाने लगे, नहीं जाए। तो फिर पुलस्त ऋषि महाराज जी ने उनको, गिरिराज जी को श्राप दे दिया था, जाओ आज से एक तिल रोज घटोगे आप। अच्छा। उस समय से एक तिल रोज घटते हैं। और एक ये है, एक मतलब ये गोवर्धन पूजा यहाँ जब से चालू हुई थी, पहले इंद्रदेव की पूजा होती थी। अच्छा। तो इंद्रदेव, कृष्ण भगवान ने जन्म लिया था, फिर गोवर्धन पूजा करवाई थी, तो उस दिन से ये पूजा होती है यहाँ भगवान की। इसमें से स्वयं कृष्ण भगवान प्रकट हुए थे, एक रूप से पूजा है, दूजो रो पूजा है, सहस्त्र पूजा फैलाए के मांग मांग के खाए। जब भगवान ने सब ब्रजवासियों पर 56 भोग लगवाया था और इंद्रदेव ने बारिश की थी, तो ब्रज को डूबस से बताया था कृष्ण भगवान ने, ये यहाँ की वो है। और यहाँ गुरु पूर्णिमासी साल भर में एक दफ़े आती है, यहाँ सबसे ज़्यादा भक्त लोग गुरु पूर्णिमासी पे आते हैं, बड़े बड़े देश विदेशों से आते हैं। यहाँ जो दान घाटी मंदिर है जिसके आप इस समय सेवायत हैं, तो उसका क्या महत्व है? यहाँ भगवान कृष्ण ने दान लिया था गोपियों से। हाँ। बरसाने नंदगांव से गोपियाँ वहाँ कंस के लिए माखन लेके जाती थी, यहाँ भगवान छिपके बैठ जाते थे। तो अगर राजी से देती, राजी से जबरदस्ती मटकी फोड़ के ले लेते। यहाँ दान लिया था भगवान कृष्ण, ये दान का महत्व है। ये गिरिराज जी महाराज दान घाटी मंदिर, जब इसे नाम डला हुआ है। लोग यहाँ आते हैं, तरह तरह की मनोकामना लेकर के आते हैं, सबकी मनोकामना पूरी, जो भी भक्त भगवान से अपनी मनोकामना मांगते हैं, सब मनोकामना पूरी करते हैं कृष्ण भगवान गोवर्धन महाराज। तो हरि अनंत, हरि कथा अनंता, भगवान की कथाएं बहुत हैं और उनके रूप भी अनंत हैं। तो एक रूप में आप देख रहे हैं गिरिराज महाराज, यहाँ भगवान कृष्ण, भगवान विष्णु के ही अवतार हैं उनकी। यहाँ आपने अभी गुसाई जी से जाना कि किस तरह से यहाँ गोवर्धन पर्वत के रूप में विराजमान हुए। दो कथाएं इन्होंने बताई हैं, एक कथा पुलस्त ऋषि से जुड़ी हुई है और दूसरी कथा भगवान श्री राम के समय से जुड़ी हुई है। तो दोनों कथाएँ हम अपने दर्शकों को गुसाई जी के माध्यम से बता रहे हैं। यतेंद्र तिवारी के साथ, गोलू पंडित के साथ, यतेंद्र तिवारी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।